बिहार में गई भाजपा हाँ। सरकार मुझे क्या लेना देना भाजपा सरकार से। जब नया संसद बना तो सारे विपक्ष ने हाय तोबा मचा दिया। तो संसद को किसी भी हालत में दुनिया के नजर में उसे गलत साबित करना था। रावण के घर में एक विभीषण था, विभीषण ने रावण को मरवा दिया। तो उसी तरह हमारे संसद के अंदर कुछ विभीषण बैठे हुए हैं जो उन हत्यारों के साथ, उन आतताइयों के साथ, उस अनंत आतंकवादियों के साथ खड़े हैं। वो सब दोषी हैं और सरकार को सब पे कार्रवाई करनी चाहिए। जब घर का भेदी गलत काम करने पे आ जाए तो ना उसे पुलिस बचा सकती है, ना उसे भगवान रोक सकता है। लेकिन जब उनके घर मकान तोड़ दिए जाएंगे, माँ बाप सबको सजा दे दी जाएगी, तो मैं तो क्या, मेरी आने वाली पीढ़ी भी पनाह मांगेगी और संसद में कूदने की कोशिश नहीं करेगी। इन्हें प्रमोट किया जाता है, इन्हें पैसे दिया जाता है, ये देश के द्रोही हैं, देश के हत्यारे हैं, समाज के विरोधी हैं। इनके साथ तो वो करना चाहिए जो सबक हो इंसानियत के लिए। नमस्कार, मैं नूर झा और आप देख रहे हैं जनित आवाज। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के जंतर मंतर में। जिस तरीके से 13 दिसंबर को संसद में जो चूक बताई जा रही है और कहा जा रहा है कि जो दो लोग संसद में घुस आए थे वो भी बीजेपी के पास के उससे घुस आए थे और फिर चार लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, इसी चीज़ में इनका क्या मानना है? किस तरीके से जो संसद में घुस गए थे, रोजगार का मुद्दा उठा रही है वो महिला की, अगर रोजगार नहीं दिया जाएगा तभी हम संसद में इस तरीके से घुसेंगे, तो इनका क्या मानना है? हमारे साथ मदन लाल गुप्ता जी मौजूद है हिंदू महासभा के, इनके क्या मायने हैं इसमें, इन्हीं से बात करते हैं। क्या लग रहा है सर, संसद में इस तरीके से घुसना क्या सही है? जब नया संसद बना तो सारे विपक्ष ने हाय तोबा मचा दिया। तो संसद को किसी भी हालत में दुनिया के नज़र में उसे गलत साबित करना था, क्योंकि अंग्रेजों की बनाई हुई संसद से कैसे हिंदुस्तानी अपने संसद के अंदर आ गए, क्योंकि अंग्रेज जाते हुए अपने चमचों को ये देश का बागडोर संभाल के गए थे कि इंडिया के रूप में जो मेरी कंपनी है इसी नाम के अनुरूप आप इसे बनाए रखना। जब उन्हें लगा कि अब हिंदू राष्ट्र की मांग हो रही है, इंडिया शब्द हटाया जाएगा, तो उन्होंने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रख दिया। जब उनका देश समाप्त हो गया, उनकी राज्य समाप्त हो गई, हमारी विचारधारा पनपने लगी, राम जन्मभूमि आज़ाद होने लगा, कश्मीर से धारा 370 हटने लगी, तो इन्होंने एक षड्यंत्र किया, बीजेपी के एमपी के पास जा करके दो पास लिए और अंदर घुस गए। घुसने के बाद एक स्टिक धुआं हाँ। वो किसी मशीन में नहीं आती हाँ। किसी जगह नहीं आती, उस धुएं के बम को फोड़ करके मेरे संसद को बदनाम करने की कोशिश की हाँ। मेरे पुलिस को बदनाम करने की कोशिश की, मेरे सरकार को बदनाम करने की कोशिश की, क्योंकि आज मोदी सरकार की, मेरा एक बेटा कनाडा में रहता है, वो कहता है पापा मुझे 30 साल हो गया कनाडा में, कोई हम पे थूकता नहीं था, 6 सालों में हमने देखा है कि हम कनाडा में हैं तो लोग हमसे कहते हैं हिंदुस्तानी इंडियन हो। तो आज हमारा जो गौरव बढ़ा है वो मोदी के कारण बढ़ा है, और मोदी का इज्जत, मोदी का नाम, भारत सरकार का नाम कैसे मिट्टी में मिलाया जाए, वो सोनिया गांधी, सोनिया माइनो, जो इटली की एक बार बाला जो दारू बेचा करती थी, जिसका बेटे को यही नहीं पता कौन से शब्द कहाँ बोला जाए, 53 साल में उसे कोई बेटी देना पसंद नहीं करता, वो कहता है मुझे देश का बागडोर संभाल दो। तो बेटा याद रखना, जो सक्षम होता है घर का बागडोर उसे दिया जाता है, तो आज मोदी जी सबसे सक्षम है इसलिए उन्हें देश का बागडोर। तो कांग्रेस सरकार में जो राहुल गांधी वो सक्षम नहीं है, आप ही के जो नेता है मोदी जी उनको पनौती कहा जा रहा है। पनौती हाँ। ऐसा पनौती बार बार चाहिए हाँ। जो देश में नाम हो जाए हाँ। जो दुनिया जिसको पूजने लग जाए हाँ। अरे किसी के पनौती कहने से वो पनौती हो जाएगा? अरे पनौती तो स्वयं सोनिया गांधी थी, जिसका घर में कदम रखते ही हाँ। संजय गांधी की मौत हो जाती है हाँ। कुछ दिन बाद इंदिरा गांधी की मौत हो जाती है, कुछ दिन बाद उसके पति की मौत हो जाती है, कुछ दिन बाद उनके देश से सरकार निकल जाती है हाँ। तो इंदिरा गांधी से, सोनिया गांधी से हाँ। सोनिया माइनो से बड़ा पनौती इस दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हुआ हाँ। ये उससे बड़ा राहुल गांधी पनौती है हाँ। बाद में कांग्रेस सरकार खा गया, तो राहुल गांधी से बड़ा पनौती तो इस दुनिया में नहीं है। अरे जो संसद में चूक हुई है उसमें भाजपा सरकार की गलती बताई जा रही है, और कहा जा रहा है अगर संसद की सुरक्षा नहीं कर सकते तो देश की सुरक्षा क्या करेंगे वो? रावण के घर में एक भी भीषण था,
विभीषण ने रावण को मरवा दिया, तो उसी तरह हमारे संसद के अंदर कुछ विभीषण बैठे हुए हैं। वो विभीषण कौन है? वो नेहरू खानदान के ये राजीव गांधी, आपने देखा राजीव गांधी का फोटो, उसकी तरफ यूँ देख रहा है, क्योंकि जब मालूम है कि मेरा आदमी है, मुझे तो कुछ कहना नहीं है, वो जानता है कि मेरा आदमी है। तो इसलिए आप बीजेपी को बदनाम ना करें, अपने देश के साथ खड़े हो जाएं। और जो विदेशी लोग हैं जिनका काम ही दारू बेच के लोगों का घर बर्बाद करना था, वो देश के साथ कैसे खड़े हो सकते हैं? जिनका बाप ही सारा जिंदगी जेल काटता रहा सोनिया माइनों का, उसकी बेटी में वही विचारधारा तो होगा, बेटा मेरे पिताजी तो सीताराम 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 कहते थे, तो मैं भी सीताराम सीताराम कहूँगा, अल्लाह अकबर नहीं कहूँगा। तो उसी तरह वो जय सु जय सु जय सु जय करते रहे। आपने कभी देखा अपनी बहन, किसी आपके भाई ने कभी आपके गाल को पकड़े जबरदस्ती पप्पी दिया? आपने किया है कभी ऐसा? नहीं, क्योंकि ईसाइयत में ये चीज़ होती है। आपने देखा राहुल गांधी अपने बहन के कैसे पप्पी दे रहा है, जबरदस्ती चिपक के जबरदस्ती खींच खींच के राखी बांधते हुए? आपने कभी नहीं देखा होगा मंगलसूत्र इंदिरा गांधी सोनिया गांधी माइनों के कभी गले में नहीं देखा होगा, मांग में सिंदूर कभी नहीं देखा होगा। भाजपा सरकार को कोई बदनाम नहीं कर रहा, जब भाजपा सरकार ऐसी चूक करेगी तो सवाल तो उठाए जाएंगे ना भाजपा सरकार पर। आप उठाइए, अपने घर में उठाइए, दुनिया को क्यों दिखाते हैं दुनिया? अरे जब संसद में चूक हुई है उन्हीं का, जैसे उन्हीं के पास को लेके घुसे हैं वो। मैंने कहा ना, जब घर का भेदी गलत काम करने पे आ जाए तो ना उसे पुलिस बचा सकती है, ना उसे भगवान रोक सकता है। स्वयं भगवान के मंदिर में भी लोग देके बम घुस जाते थे, हमने वो समय भी देखा है, और आज हमने वो भी समय देखा है कि पुलिस को देख के चोर भाग जाते हैं। आज हमने वो समय भी देखा है कि जब फौजी को देख करके पत्थर फेंकने वालों के हाथ कांप जाया करते हैं। हमने आज वो भी समय देखा है कि डकैती चोरी करने वालों की पुलिस गाड़ी पलट देती है, जब वो गाड़ी पलट देती है तब भी आप लोग खिलाफ खड़े हो जाते हो। अरे उसने तो इतना, अभी आपको बताऊं, एक केस हुआ था जिसमें कुछ लड़कियों का बलात्कार हुआ था, और उसमें फौजियों ने उन्हें, पुलिस वालों ने उन्हें ऑन टाइम गोली मार दी, ऑन टाइम। आज वो बेचारे पुलिस वाले कोर्टों के कचहरी के धक्के खा रहे हैं, ना तो आप उनके साथ खड़े हो ना हम खड़े हैं। मैंने देखा एक कनॉट प्लेस शूट आउट हुआ, वो पुलिस वाले आज भी उम्र कैद की मुकदमे झेल रहे हैं। क्यों झेल रहे हैं? उन्होंने क्या गलती किया? भाई मुझे भी पता चले कि मेरे देश में कोई, मेरे घर के अंदर कोई हमला करने आ रहा है, तो मैं उसका आधार कार्ड नहीं मांगूंगा, पहले कार्रवाई कर दूंगा। तो उन्होंने कार्रवाई की, पुलिस की इसमें कोई फेलियर नहीं है, पुलिस अपनी ड्यूटी पर सक्षम खड़ी है, और उसके साथ जनता को खड़ा होना पड़ेगा, तभी पुलिस आपके पूरी हिफाजत कर पाएगी। भाजपा सरकार का साथ दे रहे, कह रहे बदनाम मत करो, और यहाँ भाड़ में गई भाजपा सरकार। मुझे क्या लेना देना भाजपा सरकार से? मैं तो मोदी जी का मुरीद हूँ, मोदी जी का चाहने वाला हूँ, योगी का चाहने वाला हूँ, अमित शाह का चाहने वाला हूँ। वही सब कह रहे हैं, अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए, इतनी बड़ी चूक हो गई है उनकी वजह से संसद में। अच्छा, मैंने गाली बक दिया अभी, तो आपको भी इस्तीफा दे देना चाहिए, काम छोड़ देना चाहिए। अरे मैं खड़ा हूँ, मैं क्या बोलूँगा? आप मेरा मुँह थोड़ी ना पकड़ पाओगे, तो आपको तो इससे पहले, सबसे पहले ये काम छोड़ देना चाहिए, क्योंकि कई लोग आपके ना चाहने के बाद जो आप नहीं चाहते वो बोल जाते हैं, वो बोल जाते हैं, तो गलती आपकी है ना, तो आपको ये काम छोड़ देना चाहिए ना। जब वहाँ पर एक टीवी एंकर बहस कर रहे थे, एक लेडीज ने कुछ उल्टा बोल दिया, तो सबसे पहले टीवी को बैन कर देना चाहिए ना कि उसके चैनल पे क्यों बोला गया। तो उसी तरह कई गलतियां हो जाती हैं, जिसे चिल्लाना नहीं चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें फांसी देनी चाहिए। कब डरेंगे लोग? जब उन्हें कुछ नहीं होगा तो मैं भी कहूँगा यार चल मैं भी कूद जाता हूँ, तेरा भी बड़ा नाम हो जाएगा। लेकिन जब उनके घर मकान तोड़ दिए जाएंगे, माँ बाप सबको सजा दे दी जाएगी, तो मैं तो क्या, मेरी आने वाली पीढ़ी भी पनाह मांगेगी और संसद में कूदने की कोशिश नहीं करेगी। तो इसलिए जो उन बच्चों के साथ, जो उन हत्यारों के साथ, उन आतताइयों के साथ, उस आतंकवादियों के साथ खड़े हैं, वो सब दोषी हैं, और सरकार को सब पे कार्रवाई करनी चाहिए। मतलब आप खुश हैं मोदी सरकार जो योजनाएं चला रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, खुश हैं आप उन सब से? मेरी माँ बहनें पखाना करने सड़क पे बैठी होती थी और शाम का अंधेरे का इंतजार करती थी कि अंधेरा हो जाए तो पेट दबाए बैठी रहती थी। आज उन्होंने हमारी माँ बहनों को वो पखाना दे दिया, तो हमें खुश नहीं होना चाहिए? मेरी माँ बहनें
खप्पर के मकान में हर साल खप्पर को ठीक किया करती थी, उन्होंने उन्हें मकान दे दिया तो उन्हें खुश होना चाहिए या दुखी होना चाहिए? सड़कों पे बैठे हैं, रोजगार की समस्या को लेके, पेंशन की समस्याओं को लेके महिलाएं सड़कों पे बैठी है, वो ठीक है? कोई बेरोजगारी नहीं है यहाँ पे, बेरोजगारी सिर्फ उनके पास है। वो महिला संसद में गई थी, वो रोजगार के मुद्दे को लेके ही गई थी संसद में। वो आंदोलन जीवी थी, उसे पैसे मिलते हैं, उसका रहन सहन जाकर देख लो, किस ग्रेड में वो पास हुई है वो देख लो, कहाँ तक उसकी पढ़ाई है। उन्हें जैसे सिस्ता चिदतवार थी ना एक, वैसे ही एक आंदोलन जीवी है। इन्हें प्रमोट किया जाता है, इन्हें पैसे दिया जाता है, ये देश के द्रोही हैं, देश के हत्यारे हैं, समाज के विरोधी हैं। इनके साथ तो वो करना चाहिए जो सबक हो इंसानियत के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने इनको सुना, आपकी क्या राय है हमें ज़रूर बताइएगा। सभी चीज़ों पे इन पे इन्होंने एकदम जवाब दिए हैं और मोदी सरकार का अपने आप को बता रहे हैं जो उन्होंने काम करे हैं, बहुत ही बढ़िया काम करे हैं। आपकी इन पे क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।